महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि हम अच्छे अच्छे कलाकारों को आपसे मिलने ले आएंगे। अभिनय आरंभ होने के पहले जो क्रिया मंगलाचरण नांदी जिसे कहते हैं उसे पूर्वरंग कहते हैं। पूर्वरंग के उपरांत प्रधान नट या सूत्रधार जिसे स्थापक भी कहते हैं। सूत्रधार आकर सभी की प्रशंसा करते हैं, फिर नट, नटी, सूत्रधार इत्यादि परस्पर वार्तालाप करते हैं, जिसमें खेले जाने वाला नाटक का प्रस्ताव, कवि, वंश, वर्णन आदि विषय आ जाते हैं। नाटक के इस अंश को प्रस्तावना भी कहा जाता है। नाटक खेलते समय कई अंगों का अभ्यास करना पड़ता, जिसमें नाटक का महत्वपूर्ण अंग है वो है संगीत। संगीत से नाटक में जान डाली जाती है। एक ऐसे ही कलाकार आपसे मिलने आए हैं और वो कलाकार का नाम है वीरेंद्र जी लाटनकर। नमस्ते सर। नमस्ते। महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका हम स्वागत करते हैं जी। सर, आप 30 साल से इस नाटक और संगीत से जुड़े हुए हैं, यानी 30 साल का अनुभव बहुत बड़ा होता है सर जी। आप हमें बताइएगा कि संगीत और नाटक इसका संबंध क्या है? देखिए, नाटक एक अपनी खुद की एक व्यक्तिरेखा लेकर चलता है। संगीत उसका पूरक माध्यम है, जैसे लाइट, नैपथ्य और संगीत। नाटक एक कहानी होती है जो पात्रों के द्वारा एक अनुभूति सबके सामने रखी जाती है। बराबर। लेकिन उसे और सुंदर बनाने के लिए, उसको वातावरण निर्मित के लिए इस लाइट का या म्यूजिक का, संगीत का वापर किया जाता है। अच्छा, यानी संगीत नाटक का एक अविभाज्य अंग है जी, बिल्कुल। ऐसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है सर। आप इस क्षेत्र में कब से आए और क्यों आए? हाँ, बड़ी रोचक कहानी है। हाँ। मेरे माता पिता गांव से है। अच्छा। मैं उनका चौथा अपत्य हूँ। अच्छा। मुझसे नहीं, मैं तीसरा अपत्य, दो बड़ी बहनें हैं और तीन छोटे भाई, एक भाई, दो बहनें। तो हम नागपुर में रहने थे, नागपुर में मैं छोटा था तभी वो आ गए थे। मेरा जन्म नागपुर में हुआ। कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा। किसान परिवार से थे। मेरे पिताजी के कारण मेरी रुचि और बड़ी। अच्छा। वो थोड़ा बहुत ही सहज ढंग से किसी से भी बात करते समय हंसी फूटती थी। अच्छा। हर कोई उनसे खुश होता था। तो ये सब एक थोड़ा सा मुझे भी लगने लगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर पा कर सकता हूँ। आगे चल के ऐसे हुआ कि मैंने जैसे स्कूल ख़त्म होने के बाद एक दिन मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे म्यूज़िक में कुछ करना है। अच्छा। तो मैंने तबला का क्लास लगवाया। तो मैंने तबले का शिक्षण चालू कर दिया। मुझे अंदर कुछ ना कुछ म्यूजिक का होता है, होता है उसके सिवा कोई आदमी जाता नहीं होता। तो था कॉलेज आते आते, कॉलेज में फेस्टिवल होता था, उसमें मैंने ड्रामा चालू कर दिया, ड्रामा में काम करना। वहाँ पे एक सर थे जिन्होंने मुझे नागपुर के कला क्षेत्र से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि तू बहुत अच्छा काम करता है, एक्टिंग तेरी बहुत अच्छी है, तो तू बाहर काम क्यों नहीं करता? तो नागपुर में कुछ ग्रुप थे और उस ग्रुप को मैं ज्वाइन किया और मैंने काम करना चालू कर दिया। अब जैसे जैसे काम करना चालू कर दिया, इधर मेरा विशारद भी होने हो रहा था, मेरा म्यूजिक भी हो रहा था। तो मैं जिस ग्रुप में काम करता था, एक भास्कर पांडे करके सर थे, उनका हनुमाची मरिया है मनोनाथ नाटक नाटक था, तो उसमें मैंने पहला काम किया। उसके बाद जैसे जैसे मैं उनके साथ काम करते गया, उनको लगा कि ये म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक करने के लिए बोला गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब जैसे म्यूजिक करते गया तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि मैं ये बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, या लोगों का विश्वास बढ़ने लगा मुझ पर। और मैंने फिर बस, और अब तो ऐसी पोजीशन है कि मैं एक्टिंग करता ये लोग भूल ही गया, मैं म्यूजिशियन बन गया। अच्छा।
यानी नाट्य संगीत की ओर आप ऐसे मुड़े। हाँ जी हाँ। और आपने अभिनय भी किया, यानी नाटक के सभी अंगों को आपने खिलाया है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। संगीतकार और अभिनेता, ये दोनों किरदार आपने निभाए हैं अच्छे से, लेकिन कुशलता पूर्वक जिसमें आपको कहीं प्राइज मिला, पुरस्कार मिला, ऐसा कोई नाटक या कुछ फिल्म ऐसा कुछ? जी जी हाँ, मैंने 4-5 मेरे ऐसे नाटक हुए जिनको मैंने म्यूजिक में अवार्ड हासिल किए। अच्छा। नेशनल तक। और अभिनय में बोले तो मैंने बहुत कम काम किया है, मेरे हिस्से में ज़्यादा काम नहीं आता था, लेकिन जितना भी किया है कि मैं ये बड़ी दावा के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने जब जब नाटक में काम किया है तो मैंने प्राइज लिया है। क्या बात है, क्या बात है। नाटक का नाम? हाँ, मैंने जिन नाटकों को संगीतबद्ध किया है उनमें से एक बहुत सुंदर नाटक था रगत प्रीति। अच्छा। जिसका मैं बहुत अलग प्रकार का संगीत मैंने किया था, लाइव संगीत, जैसे कि स्टेज पर जितने आर्टिस्ट है उतने आर्टिस्ट बाहर विंग में स्टेज के बाहर खड़े थे, बैठे थे, उनके लिए अलग से साउंड था और पूरा नाटक लाइव किया, पूरा म्यूजिक लाइव था और नाटक वो नेशनल तक पहुंचा है। एनएसडी में उसके प्रयोग हुआ था, उसका एनएसडी में वो एक मेरा बहुत सुंदर नाटक था। उसके बाद कुछ नाटक हुए उनके मैंने म्यूजिक किया और अभी पिछले साल 13वां करके एक नाटक था। हाँ, तो उसका मैंने म्यूजिक किया। ये कुछ नाटक मेरे यानी माइलस्टोन हो चुके हैं। 13वां के बारे में आपने अभी बोला कि 13वां भी किया है जी। तो 13वां के बारे में उसके पीछे कुछ कहानी? हाँ, 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 भी थोड़ा सा बताइए। कहानी ऐसी है कि वर्धा से एग्रो थिएटर है, एग्रो थिएटर काम करता है ग्रामीण क्षेत्र से जो कलाकार जुड़े होते हैं उनको लेकर, उनकी सर्वे सर्वा है हरीश शिताब है, मेरे अच्छे दोस्त है। अच्छा। रगत प्रीति उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी समस्याग्रस्त क्षेत्रीय किसान है, आत्महत्याग्रस्त किसान है, उनकी बहू बेटियों को साथ में लिया और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के जीवन पर जो जो घटनाएं जुड़ी उस पर वो 13वां नाटक लिया। वो नाटक कहानी जब मैंने उन सब बच्चों से या फिर औरतों से बच्चों से जब मैं मिला तो उनकी हर एक की कहानी सुनने के बाद आग से किसी के भी आंसू निकलेंगे, ऐसी दुखद घटनाएं उनके साथ हुई है, किसी को पिता नहीं है, किसी को पति नहीं है और ऐसी महिलाओं को एकत्रित लाकर संगठित करके उन्होंने वो श्याम बेटकर जी ने वो नाटक लिखा है। अच्छा, अच्छा। और वो नाटक और उस नाटक के जितने गाने थे तो स्वरूप इस प्रकार से था कि उनका दुख लगे लेकिन उसमें भी उनकी प्रेरणा हो, इस प्रकार से उसका म्यूजिक था। गाने के माध्यम से वो नाटक आगे बढ़ता है। मैंने उसे करने का प्रयास किया और काफ़ी सफल भी हुआ। अभी अभी उस नाटक के लिए श्याम बेटकर सर को अवार्ड मिला है अमेरिका के एक मराठी संस्था के माध्यम से। क्या बात है। आपने कहा कि 13वां के जो संगीत है किसी के भी आंसू निकल आएंगे, थोड़ा सा कुछ दो लाइन अगर याद है तो? और मैंने पूरा उसको इसमें किया था, जैसे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, लाइव नहीं कर पाया क्योंकि काफी ज्यादा था। हाँ, हाँ, लाइव को ज्यादा टाइम लगता है तो माफ करना। नाटक तो किए हैं आपने, अच्छे अच्छे के अवार्ड भी प्राप्त किए। आपने कभी फिल्म करने का प्रयास नहीं किया? जी अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन नागपुर में फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से बन रही है और मेरा सुदैव है कि मैंने 5 फिल्में की हैं। अरे बाप रे, अब दूर क्या बात है जी। अपने स्टेट लेवल पर 5 फिल्में की हैं, उसमें से एक फिल्म तो टॉकिंग में आ चुकी है, दो फिल्म उसका म्यूजिक लॉन्च हुआ और अच्छा। फिल्म नहीं लॉन्च हो पाई। अच्छा। और अभी एक फिल्म रिलीज होने पे है, पारण सिंह का अपने विदर्भ का क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, वहाँ की सती अनुसुईया, ये फिल्म अभी लॉन्च होने की कगार पे है। अच्छा। और एक धार्मिक फिल्म
अभी उसका नामकरण तो हुआ नहीं है, पता नहीं, लेकिन ऐसे मैंने दो चार फिल्म, पांच फिल्म किए हैं, उनमें से दो फिल्म अभी फ्लोर पे है समझिए। अच्छा 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 अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, ये तो नाटक भी हो गया, नाट्य संगीत भी हो गया, फिल्म को भी आपने म्यूजिक दिया है। इसके अलावा और क्या क्या शौक है आपके? हाँ, इसके अलावा जी मैं वैसे एक टीचर हूँ, स्कूल स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। 1997 से मैं एक क्लास भी लेता हूँ जहाँ बच्चे आते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं दे पाते, नहीं दे पाते, लेकिन उनमें हुनर होता है म्यूजिक करने की, तो उन्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उसके सिवा मुझे एक अलग शौक है जो मेरे प्रोफेशन के बिल्कुल विरुद्ध है। अच्छा, वो है राइडिंग का शौक। मैं भ्रमण करना करता हूँ, हर साल कहीं ना कहीं जाता हूँ। मैंने लद्दाख से लेके तो गोवा तक यानी कोस्टल तक सभी प्रकार के भारत के पूरे प्रांत देखे हैं। बस एक मेरा पैशन है, मैं घूमते रहता हूँ, निसर्ग से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कहते हैं। तो मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूँ कि जब भी वक्त मिले तो निसर्ग के सानिध्य में जाए। हाँ, हमने भी थोड़ी सी जानकारी निकाली आपकी, तो पता चला कि आपने बुलेट पे जी भारत भ्रमण किया है। जी जी, तो ये इच्छा कैसे आपकी मन में आया? हाँ, मुझे पहले से ही शौक था कि बाहर जाना चाहिए, थोड़ा सा घूमना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी। घूमना ठीक है, जाना ठीक है, लेकिन बुलेट पे भारत भ्रमण, ये बहुत ही अलग बात है। जी जी, हाँ जी, ऐसा हुआ कि मैं चाहता था कि फैमिली के साथ जाऊं, लेकिन हमारे परिवार थोड़ा सा बड़ा था, कहीं जहाँ आना मुश्किल था। और मिसेस लेक्चरर है मेरी, अच्छा, तो उनका और दो बच्चियां, तो वो समय नहीं मिल पाता था थोड़ा सा, लेकिन उनका मेरा सपोर्ट था कि हम नहीं आ सकते, आपकी इच्छा है तो आप जाके आइए। तो फिर अकेला आदमी कैसे जाए, तो ढूंढा, लोग मिले, पैशनेट लोग मिले, उनके साथ थोड़ा सा छोटे छोटे टूर करने के बाद इच्छा हो कि अब आगे जाए, आगे जाए। और मजा आए। मैंने आपको, जब कोई घूमने जाता है तो अक्सर वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, परचेसिंग करके लेके आते हैं। मैं जब सिंधु के तट पे गया तो मैंने वहाँ के पत्थर लाए थे। अच्छा, तो मुझे निसर्ग के अंदर जाकर वहाँ के कुछ अपरूप जो चीज़ें हैं वो लाने का बड़ा शौक है। तो मुझे यही, तो सब चीजें तो कहीं भी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन सिंधु नदी के पत्थर तो नहीं मिलेंगे ना, तो ऐसा, इसलिए मुझे थोड़ा सा लगाव है। और फिर तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लेकिन इच्छा इतनी तीव्र होती है कि मैं फिर कर लेता जी। फिर आपने इतना भ्रमण किया सिंधु नदी के, और बहुत सारी नदियाँ मिली होगी आपको। जी जी, तो आपने क्या क्या लाया क्या वहाँ से, और क्या क्या लाया? सिंधु नदी के पत्थर तो हमें पता चला। हाँ, और क्या क्या लाया? हाँ, सबसे बड़ी बात है संगीत। जैसे उत्तराखंड गए तो वहाँ पे संगीत कौन कौन सा, किस प्रकार का, वहाँ जहाँ लोकल संगीत क्या है, मायने रखता है, क्योंकि हर प्रदेश की एक अपनी पहचान है। बराबर, जैसे आसाम में गए तो वहाँ का व्यू, वहाँ का संगीत कुछ अलग प्रकार का। तो मैंने वहाँ पे वो ढूंढने की कोशिश की जितना भी वक्त मिल पाया मेरे को, जितना भी उस समय में सीढ़ियाँ चलती थी, आजकल तो मिलती नहीं है। तो हर जगहों पे जाने, हर स्टेट में जाने के बाद मैंने वहाँ की एक स्टोरी लाई है। और उसका फायदा ये हुआ कि जब मैं कभी म्यूजिक करता हूँ तो जो एटमोसफियर चाहिए और इंस्ट्रूमेंट कमी अपने पास होती है, तो उससे कुछ निकलता है बाहर। तो मैंने अक्सर यही प्रयास किया है कि मैं जैसे रन ऑफ कच्छ गया तो वहाँ से भी कुछ सीढ़ियाँ लाई जो राजस्थानी ट्यून थी, आसाम में गया तो वहाँ से कुछ लाया। तो मैं म्यूजिक का मटेरियल, और एक बात है किताबें, ज़्यादातर किताबें मैं एक दो तो भी किताबें वहाँ से लेके आता हूँ। क्या बात है, संगीत कला ही ऐसी है कि जहाँ जाए वहाँ का हमारे पास कुछ होना ही है, ये इच्छा तो होती है सबके। अच्छा सर, मुझे ये बताइए आप कि आपने भारत भ्रमण किया, आपने नाटक को संगीत दिया, आपने फिल्म भी की, आपने सब कुछ किया, अब आगे भविष्य में क्या करना है आपको, कुछ नया प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है आपने? जी जरूर, मैंने इतने गाने कर चुका हूँ अभी तक आकाशवाणी के लिए, छोटे छोटे एल्बम के लिए बहुत किया हूँ, लेकिन एक कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, ऐसा लगता है कि ये बाहर जाने के बाद बहुत हिट
होगा या फिर प्रसिद्धि की बात छोड़िए, प्रसिद्धि तो नहीं लेकिन ये लोगों को पसंद आएगा, और अचानक ऐसा होता है कि वो स्टूडियो के बाहर ही नहीं निकल पाता। तो ऐसे कुछ गाने हैं, उन गानों को जिन कलाकारों ने मेरे साथ काम किया है उनकी भी इच्छा है कि मेरा एक स्वतंत्र प्रोग्राम होना चाहिए मेरे गीतों का, जो मैंने गाने किए हैं उसके पीछे की स्टोरी होगा, तो ऐसे प्रोग्राम करने की इच्छा है। और मैंने कुछ बाल गीत लिखे हैं, क्या बात, जो लोगों को पसंद आए हैं, तो उनको भी प्रोड्यूसर या फिर उनको भी बाहर लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने बाल गीत भी लिखे हैं, हाँ, आपने और नाट्य गीत गाए भी हैं आपने? मैंने गाए नहीं, मैंने गवाए हैं। गवाए हैं, ओके ओके। भगवान ने बस उतना दिया नहीं, स्वर का ध्यान तो है लेकिन स्वर नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। लोग हाँ, कंपोजिशन समझते हैं, गाते हैं, बराबर अरे सबको सब आना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। एक लेक्चरर होता है, संगीत टीचर की बात लो, वो होते हैं, कोई संगीत टीचर को सिखाना बहुत अच्छे से आता है, जी जी, है ना, जी, लेकिन गा नहीं पाते, गा नहीं पाते। कोई बहुत अच्छे से गा पाता है लेकिन सिखा नहीं पाता, जी, 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 ऐसा ही होता है। और हम एक आखिरी सवाल पूछूंगी सर मैं आपको, कि आगे जो नई पीढ़ी है आने वाली, उनकी सोच थोड़ी अलग है, जी, तो उसके बारे में आप थोड़ा संदेश क्या दोगे, यानी अच्छे वाले शब्द? इस बारे में तो मानना चाहिए कि आप हम लोग काफ़ी भाग्यवान भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं कि हमने रेडियो सुना है, सही हमने रेडियो सुना है, हाँ। तो हमारी प्रभात भी, हमारा सवेरा भी उन रेडियो के साथ साथ होता था, साथ बराबर होता। हाँ। उत्कृष्ट हिंदी हमने सुनी है और गाने वैसे सुने हैं, दोपहर के जब हम गीत सुनते थे तो ऐसा लगता था कि वो विशिष्ट राग में हो गए, तभी वो उसी समय पसंद आते थे। शाम को गीत कुछ अलग प्रकार के होते, भाव गीत सुने हैं, यानी हमने इतने सुंदर गीत सुने हैं कि उसे एक प्रकार का वो मेडिटेशन हो चुका है और उसकी ताकत है जो कि अभी भी हमें प्रेरणा देती है। दुर्दैव यह है कि बच्चों के सामने अभी, जैसे मैं किसी पर उंगलियां नहीं रखना चाहता, लेकिन जैसे उनका एंकर का भी हो तो जो आवाज, जिस प्रकार से वो बातें करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ये सब बाजार जैसे लगता है। थोड़ा सा स्वीटनेस हो, सॉफ्टनेस हो, कान को अच्छा लगे, और गाने धुन तो अच्छी होती है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप उसके पीछे का जो बैकग्राउंड पैदा करते हैं या जो निवेदन देते हैं वो काफ़ी थोड़ा सा राश होता है। तो हम बोलते भी हैं बच्चों को कि हमने जो सुना है वो शायद तुम्हारे नसीब में नहीं था, लेकिन हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा हो आगे चल के। ऐसा नहीं कि संगीत बुरा है, संगीत अच्छा ही है, उसमें कोई शक नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो बदलते जाता है, वो भी ठीक है, चलता है, फिर भी वही संगीत है। आखिर में संगीत है, संगीत का मजा कुछ और ही है। वो जिसको संगीत समझता है उनको ही वो समझता है, बाकी लोगों को नहीं। जिंदगी खेलती है उसके साथ, जिंदगी खेलती है उसी के साथ, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ऐसे ही हमारे आज के वीरेंद्र जी लाडनकर सर निखर के आए हैं, तो धन्यवाद सर, धन्यवाद आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें बनाई, अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारे दर्शकों ने सुनी, वो बातों से उनको जरूर फायदा होगा। आगे ही हम ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही कलाकारों को महाराष्ट्र TV 24 में आपके लिए लेके आएंगे, और हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद सर।